नमस्कार दोस्तों, मेरे चंदू मिस्त्री यूट्यूब चैनल में सब पहलवानों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए चक्की की मोटर। दो दोस्तों, उसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई, एक साइड से सेप भी कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो, ये एक साइड से मैंने सेप कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे आपको कनेक्शन कैसे होगा। तो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कनेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों, मैंने इस साइड से बिल्कुल एक्यूरेट, आप देख सकते हो, इस साइड से मैंने एक्यूरेट सेपरेटर लगा लिया है। अब दोस्तों, इसको उठ देते हैं। इधर उठने के बाद में दोस्तों आपको बताएंगे इसकी कनेक्शन कैसे होंगे। तो कनेक्शन का ये वीडियो बनेगा, तो आपको कनेक्शन सीखना है तो ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, और पूरा देखिए, जब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इन तारों को अपन, जो भी वायर है उनको सीधा कर लेना है, बिल्कुल एक्यूरेट जचा लेना है इनको। तो दोस्तों, ये स्टार्टिंग का कनेक्शन है, जो स्टार्टिंग कॉइल है इनको अपन एक साइड इसी तरीके से बांध लेते हैं, और रनिंग के अलग लेना है। ये स्टार्टिंग है। ये दोस्तों स्टार्टिंग के हो गए और ये रेनिंग के हो गए। दोस्तों, सबसे पहले इनका रेनिंग है, इसकी ये रेनिंग है, अपने इनको छाट लिया, पूरा एक्यूरेट लिया। अब दोस्तों, इसको थोड़ा सा अपन इसमें सेपरेटर लगाना है अपन को। तो सबसे पहले दोस्तों, इन कोयलों को हल्का हल्का इधर मोड़ लेते हैं। अपना सेपरेटर अच्छी तरह से लग जाए। तो दोस्तों, ये अपनी हरी सीट है, जो अपनी 7.5 mm, 10 mm। तो दोस्तों, ये 10 mm हरी सीट है, ये अपन इसमें डबल लगा देना है। इस तरीके से। तो दोस्तों, इसमें एक सिंगल और लगा देना है अपन को। ऐसे लगाने के बाद दोस्तों, इस कोयलों को दबा लेना है इधर। तो दोस्तों, ये सेपरेट इसमें इस तरीके से लग जाता है। आपको चित्र से देखना, दूसरा वायर टच ना हो, तो मैंने इसमें अच्छी तरह से सेपरेट लगा दिया। अब सबसे पहले दोस्तों, कनेक्शन करते हैं मोटर के। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को आपको कनेक्शन करना सिखाएंगे ये। सबसे पहले दोस्तों, आपको स्टार्टिंग कोयले को कनेक्शन करते हैं। तो इनको दोस्तों पहले अंदर डाल देते हैं, ऐसा का ऐसा, बाद में बाहर काटेंगे। तो दोस्तों, ये 4 डेल्टा कनेक्शन होता है, ये सिंगल फेस की मोटर है, तो इसमें 4 डेल्टा कनेक्शन फेस ही होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये वायर ले लेना है, और फिर इसके सामने का वायर ये ले लेना है। तो ये तो दोस्तों बाहर निकल जाएगा। तो आपको जोड़ने वाली लूप, सबसे पहले दोस्तों ये सबसे पहले कॉइल का वायर लेते हैं ना, वो वायर लेना है छोटी वाली कॉइल का, और इसमें से ये एक वायर छोड़ देना है और ये एक वायर इसमें ले लेना है। तो आपको इनसे कोई संबंध नहीं रखना है, ये दोनों कॉइल के आप है ना, छोटी वाली कॉइलों के एक एक वायर आपको ले लेना है। तो सबसे पहले मैं इनको सिलीव लगाता हूँ। तो दोस्तों, मैं ये सिलीव लेके आ गया हूँ, और इस पर भी तुमको सिलीव छोड़ देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये लूप कर देते हैं। इसको छील लेते हैं दोस्तों, इसको यहाँ से छील लेते हैं, तो इसको भी यहाँ से छील लेते हैं। फिर दोस्तों, इसमें एक स्लीव छोड़ देना आपको, तो इसके ऊपर आने के लिए ये स्लीव इस पे लगा देना है। और फिर इसको यहाँ से अपन को जोड़ देना है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको जोड़ के यहाँ से आपको इसको कट कर लेना है, और फिर इसको यहाँ पर डबल आपको इस पर स्लीव लगा देना है, इसको यहाँ पर इसको सेव कर देना है। अब दोस्तों, ये इस पर कनेक्शन हो गया, अब इसके सामने वाला ये होगा, इसको नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वही छोटी वाली कॉइल के दोनों ये वायर अपन को ले लेना है। तो इन पर पहले स्लीव लगा देते हैं, और दोस्तों इस पर भी स्लीव लगा देते हैं। इसमें दोस्तों आपको बीच में एक वायर छोड़ना है, और पहली पोर्ट कोयल डालते हैं वही वायर लेना है आपको। दोस्तों, इसको भी छील देते हैं, और दोस्तों इस पर डबल अपन को स्लीव करा देना है।
यहाँ से इसको जोड़ लेना है। तो दोस्तों ये हो गया 4 डेल्टा कनेक्शन। आप उनके पास में 4 तार बचे हैं, तो वही आपको ऐसा अगर ऐसा जोड़ना है तो सबसे पहले दोस्तों ये है, ये इसको यहाँ से जोड़, आपको यहाँ से जू कर देते हैं और इसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस पर सिलीव लगाते हैं। और दोस्तों इस पर भी सिलीव लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये कनेक्शन कैसे होगा, इसके जस्ट इस कॉइल का और इस कॉइल का सामने वाला ही जुड़ के बाहर निकलेगा। तो इसको भी छील देते हैं पहले और छील के यहाँ से जॉइन करके बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये अच्छी तरह से लूप हो गया। अब इसके ऊपर ऐसे घुमा के अपन को ये लेके आ जाना और ये इस पर डबल सिलीव कर देना है। तो इसको यहाँ से घुमा कर यहाँ सेट कर लेना है और दोस्तों इस पर एक सिलीव का छोटा टुकड़ा लगा देना है। इस तरीके से ये सिलीव का लगाना है। इस पर दोस्तों फिर आपको एक डबल सिलीव तोड़ना पड़ेगा इस पर भी। तो दोस्तों ये एक कनेक्शन इसका बाहर निकल गया है, मैं आपको कैमरे में दिखा दूंगा। फिर दोस्तों आपको दूसरा कनेक्शन काटने के लिए दोस्तों इसको और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ये बाहर आ जाएगा। तो इसकी यहाँ लूप कर देते हैं दोस्तों और इसमें लगा देते हैं सबसे पहले सिलीव। तो दोस्तों ये सिलीव इस पर लग गया और यहाँ से कट कर देते हैं। तो दोस्तों इसको भी छीन लेते हैं यहाँ से और दोस्तों इस पर डबल सिलीव लगाना है और दोस्तों इसको छीलना बाकी है, तो इसको भी छीन लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इसको घुमा लेना है और यहाँ से इसको कट कर लेना। तो सबसे पहले मैं इसको जोड़ देता हूँ दोस्तों यहाँ से। दोस्तों इस पर एक सिलीव लगाना है अपन को, यहाँ से इसको भी दोस्तों यहाँ से इसको भी बाहर निकाल लेना है। इसको भी दोस्तों आपको डबल सिलीव ही लगाना है, ये बाहर जाएगा। सिंगल सिलीव पर छूलने का बहुत गेम रहता है। तो दोस्तों इसको भी तो दोस्तों आप देख सकते हो ये 4 डेल्टा का कनेक्शन। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को कॉल कर सकते हो, मैं आपको वीडियो कॉलिंग करके भी बता सकता हूँ, सामने आपको कनेक्शन में करवा दूंगा। तो दोस्तों अब इस टाइप के जो रेनिंग के कनेक्शन है वो कैसे होंगे, तो सबसे पहले रेनिंग वाले कनेक्शन है उनको छाट लेते हैं दोस्तों।
दोस्तों आपको ध्यान रखना इसमें एक वायर अपने आप छूट जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना इसमें एक वायर छोड़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें मैं एक वायर है, ये अपने आप इसमें ऑटोमेटिक छूट गया है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये ले लेना है और इसका इसी कोयल का ये तार लेना है, इसका छोड़ देना है। तो इसमें ये घूम के आ जाएगा, इसमें लगा देना स्लीव और दोस्तों इसको छीन लेते हैं और दोस्तों यहाँ इसको जॉइंट कर देना है। तो दोस्तों ये यहाँ से करंट पड़ा यहाँ आ गया, यहाँ से इधर पड़ा, इधर से इधर आ गया। तो दोस्तों इसमें करंट आ गया, इसमें लाइट यहाँ से दौड़ के इधर आ गई है। अब आपको वापस एक वायर छोड़ना है, तो सबसे पहले इसमें दो वायर अपने पास में बचे हैं, दो वायर बचे हैं, तो इसको छोड़ देना है और इसको आपको लूप कर देना है। तो इसमें करंट ये दौड़ के इधर से होता हुआ इधर बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें वायर बड़ा इसे निकल के इधर आ गया, इधर से बढ़ के इधर आ गया और इधर से इसमें आ गया। और अब इधर बाहर ना एक वायर इसको छोड़ना है, इसके बीच में दोस्तों आप देख सकते हो कोई वायर नहीं छुटा हुआ है, दोनों कॉइल सेफ है। तो इसको इसमें डालना है, तो इसमें बाकी कोई स्लीव लगा देते हैं, वही प्रक्रिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मैंने कंप्लीट जॉइंट कर दी है, अब अपने पास में एक वायर बचा है, इसमें स्लीव लगा के इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये स्लीव इस पे चढ़ गई है और इसको स्लीव को यहां से घुमाते हुए इसको बाहर ले लेना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो कंप्लीट मैंने कनेक्शन कर दिए हैं और चारों वायर इसके बाहर निकाल दिए हैं। फोर डेल्टा कनेक्शन मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से फोर डेल्टा कनेक्शन होते हैं। तो दोस्तों इस पर करते हैं इस पर टेप गिट्टा है, इस गिट्टे से ये डोरा धागा आता है, ये धागा हमने ले लिया है, इस तरीके से धागा से ये मोटर चलती है। तो दोस्तों ये धागा है मेरे पास में, इस धागा से हमने इस मोटर की चैरी में डोरा धागा करना है, इस चैरी में इस धागे से चैरी में धागा होगा तो मैं धागा करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको। तो ये दोस्तों मैंने जो गिट्टा है उसमें धागा ले लिया है, इस धागा से चैरी में इसको बांध लेते हैं। सबसे पहले इसको दोस्तों यहाँ से बांधते हैं, तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है, अब इसको शेड कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरी कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है, मैंने दोनों साइड से शेप बना दिया है, इस तरीके से दोस्तों ये शेप बनता है और इस साइड भी आप देख सकते हो इस तरीके से शेप बनता है। तो ये मोटर कंप्लीट हो गया, चार तार निकल गए। तो दोस्तों इसका फिटिंग का वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए इसके बारे में मेरे को बताइए। तो दोस्तों मेरा वीडियो इतना ही, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।